लोको मोड़ पर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 15 दुकानों को रेलवे की ओर से जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभियान चलाने से पहले रेलवे की ओर से नोटिस भी दिया गया था, लेकिन दुकानों को खाली नहीं किया गया। तो वहीं बुलडोजर के साथ जैसे ही रेलवे की टीम वहां पहुंची तो सभी दुकानदार अपना अपना सामान बाहर लेकर निकलने लगे। इसके बाद बारी बारी से सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता चंचल श्रीवास्तव के पिता छेदीलाल श्रीवास्तव ने सन 1986 में यहां 15 दुकानें बनाई थी। उस समय रेलवे की ओर से जमीन को लीज पर दी गई थी। पिता की मौत के बाद चंचल श्रीवास्तव ने रसीद कटवाना भी बंद कर दिया था। अंत में रेलवे की ओर से कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं कोर्ट के आदेश मिलने के बाद रेलवे अधिकारियों ने इसकी तामील की और अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों ने बताया कि जिन दुकानों को जमींदोज किया गया है उसे चंचल श्रीवास्तव से उन्होंने 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा था। उनका कहना था कि लीज की जमीन पर दुकान होने का साझा देकर उन्होंने हमसे मोटी रकम भी वसूली। उनका कहना था कि लीज की जमीन पर दुकान होने का साझा देकर उनसे मोटी रकम वसूली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।